कलेक्टर के सख्त आदेश। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क नहीं लगाने वालों को खुली जेल में रखा जाएगा। जिले में रविवार को टोटल लॉकडाउन, डेयरी, पेट्रोल पंप, दवाइयों की दुकान को छोड़कर सब बंद। किसी भी कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल। महाराष्ट्र, केरल एवं अन्य कोरोना ग्रसित प्रदेश जाने वाले नागरिकों को प्रवेश से पहले कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट दिखाना होगी जरूरी। प्रस्तुत है गुना से राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। गुना जिले में पिछले सप्ताह में कुछ कोरोना के केसेज बढ़े हैं और पूरे प्रदेश में भी ऐसे केसेज की संख्या बढ़ी है। आज डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि पुनः सख्ती करने का समय आ गया है। इतने दिनों से हम सुरक्षित थे और ये माहौल को बरकरार रखना है, इसके लिए मास्क पे, बिना मास्क पहनने पे जो कार्रवाई होती है उसमें सख्ती की जाएगी। पूरे शहर में सघन चेकिंग की जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनके अर्थदंड के साथ साथ एक खुली जेल पे भी उनको कुछ देर रखने का प्रस्ताव आया है, जिस पर निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनको अगर किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकते हैं तो उनके पास कोरोना का RT-PCR का टेस्ट का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर किसी के घर में कोई रिश्तेदार बाहर से आता है, महाराष्ट्र से, केरल से या ऐसे राज्यों से जहां संक्रमण ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि उसकी सूचना देगा कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर। साथ ही साथ 7 दिनों का उनको क्वारंटाइन करना होगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में रोको टोको, मास्क पे सख्ती अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि गुना को संक्रमित होने से बचाया जा सके। जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय को सख्ती से इन्फोर्स कराएगा।